आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा। अब हम करते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट सम। जो हमारा सम नंबर 7 है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल, क्या कहता है, तीन कंसेक्यूटिव लगातार मल्टीपल ऑफ 8, 8 के जो लगातार मल्टीपल्स है, गुणांक है, अगर उनको आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो आपको मिलेंगे 888, 888 नंबर। इन नंबरों को हमें करके दिखाना है, फाइंड आउट करके दिखाना है मल्टीपल ऑफ 8। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, कंसेक्टिव नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमने पिछली क्लास में भी सीखे थे, उसी तरीके से लिख लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना, एक्स। कंसेक्टिव का मतलब क्या बताया था हमने, एक एक ऐड करना है। तो सेकंड नंबर में क्या करेंगे हम, एक को ऐड करेंगे, और जब थर्ड नंबर हम फाइंड आउट करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, एक को ऐड करेंगे। ये तो हमने लिखी थी कंसेक्टिव नंबर, क्या लिखते डियर स्टूडेंट्स हमने, कंसेक्टिव नंबर। लेकिन ये नंबर किसके मल्टीपल होने चाहिए, 8 के, 8 के मल्टीपल होंगे। अगर इनको फिर बाद में हम ऐड करें, जोड़े, तो हमें कितना मिलेगा, 888। तो हमें वो नंबर क्या करके दिखाने डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 8, तो इसकी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल प्लस नेक्स्ट की भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नेक्स्ट की भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से, और तीनों को हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो ये तीनों के तीनों नंबरों का जो जोड़ है वो 888 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 8x plus 16 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 8x plus 8 16। अब क्या करते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ देते हैं, लाइक टर्म है तीनों के तीनों, 8 और 8 16 और 8 24 इक्वल टू कितना, 888। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू हमें मिल गई ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 8। तो क्या करते हैं, 24x को इधर एज इट इज रख लेते हैं, 888 प्लस का 24 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 24x है एज इट इज, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और 8 एज इट इज, x इक्वल 864 मल्टीप्लाई में है, किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में। अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4 और कितना, 12। अगेन 2 से कर देते हैं एक बार, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और 2 6 12। अब 6 से कैंसिल कर सकते हैं, छोटी वैल्यू आ गई, 6 3 18 और 6 6 36। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स, x की। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ये आपका 36, ये 36 प्लस 1 और ये 36 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 36, ये कितना हो गया 37, ये कितना हो गया 38। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल दिए, नंबर निकाल दिए, लेकिन हमें निकालना किसके मल्टीपल, 8 का मल्टीपल। तो जब 8 का मल्टीपल निकालोगे तो आप इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 8 से, और इसकी भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 36 जो फर्स्ट नंबर रहेगा, तो 36 गुणा में कितना है 8, सेकेंड 37 गुणा में कितना 8, और नेक्स्ट 38 गुणा में 8। ये हमारा सेकंड नंबर और ये हमारा थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, 4 कैरी किए, 8 किया 24 और 4 28, 8 7 6,
छप्पन, आठ तिया चौबीस और पांच उनतीस, आठ अठो चौसठ और आठ तिया चौबीस और छ तीस। आप डीएस ट्रेनिंग को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, 888। 8 और 6 14 और 4 18 एक कैरी, 9 और 1 10 और 8 18 एक कैरी, 4 और 2 6 और 2 8। तो डीएस स्टूडेंट्स हमें तीन नंबर निकाल के दिखाने थे मल्टीपल ऑफ 8, सॉरी 8। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 एक कैरी किया था वो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो डीएस स्टूडेंट हमें तीन नंबर फाइंड आउट करके दिखाने थे जिनका जोड़ कितना मिलना चाहिए था हमें 888। तो ये तीन नंबर रहेंगे आपके जिनका जोड़ कितना है 888 और ये तीनों के तीनों मल्टीपल है किसके, 8 के। डियर फ्रेंड्स आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार तीन नंबर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उनको बढ़ते क्रम में लिया जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई उनकी गुणा की जाएगी 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4 से रिस्पेक्टिवली लगातार दे एड अप टू 74। अगर उनको आप एड करते हैं जोड़ते हैं तो आएगा आपका 74, 74। फाइंड देज नंबर्स, वही हमें क्या निकाल के दिखाने हैं, नंबर निकाल के दिखाने हैं। डियर स्टूडेंट्स वही पीछे वाला कंसेक्टिव इंटीजर, तो उसी तरीके से लेट फर्स्ट नंबर डिस्टूडेंट्स क्या एक्स, तो सेकंड क्या निकालोगे एक ऐड करेंगे। अगर हमें कंसेक्टिव नंबर गिवन है तो थर्ड नंबर डियर स्टूडेंट्स क्या हमारा, फिर एक ऐड करेंगे। तो हमने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, तीन नंबर मान लिए किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, किस ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि ये छोटा फिर ये उससे बड़ा फिर ये उससे क्या बड़ा, फिर क्या कहता है इनके मल्टीप्लाई करने किसके साथ, दो के साथ, तीन के साथ और चार के साथ, और उनको फिर क्या करना है ऐड करना है जोड़ना है, तो हमें कितना मिलेगा 74 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो फर्स्ट नंबर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, जो नेक्स्ट नंबर उसकी 3 से मल्टीप्लाई, और जो नेक्स्ट नंबर है उसकी किससे, 4 से, और बीच में प्लस और प्लस का सिंबल भी डाल दिया डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको 74 मिलेगा। तो अब हमारा क्या आएगा, ये आएगा 2x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 4x और 4 दुणे 8 इक्वल टू कितना 74। अब ऐड करते हैं इसको 2 को 3 को और 4 को, 4 और 3 7 और 2 9 प्लस 8 और 3 11 इक्वल टू कितना 74। 9x 74 प्लस का 11 उधर जाके डियर स्टूडेंट्स किसका, माइनस का, तो 9x इक्वल टू कितना बच गया डियर स्टूडेंट्स, 7 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। अब करेंगे तो x की वैल्यू 63/9, क्योंकि 9 आपका किस में है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहां पे जाती है, डिवाइड में। तो अब x की वैल्यू आपकी कितनी डियर स्टूडेंट्स, 7। तो हम नंबर यहां से फिर निकाल सकते हैं, क्या आएगा 7, 7 प्लस 1 7 प्लस 2 मतलब ये 7, ये आपका 8, ये आपका 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये नंबर तो मिल गया आपको लगातार, लेकिन क्या कहता था पहले नंबर की किससे गुणा कर दी हमें 7 2 से, तो 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 14, इसकी किससे गुणा करनी है हमें 3 से, कितना मिलेगा आपको 8 या 24, और 9 की किससे गुणा करनी है डियर स्टूडेंट्स 4 से, और 9 चौका 36 जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें 74। 6 4 10 और 4 14, 3 2 5 और 1 6 और 1 कैरी किया, सॉरी 6 और 4 10 और 4 14, 1 कैरी किया, 4 और 2 6 और 1 7, तीन का जोड़ कितना मिल गया डियर स्टूडेंट हमें 74। तो जो ये नंबर है हमारे, ये हमारे क्या रहेंगे आंसर के रूप में रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स अब करते हैं हम सब नंबर 9। क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण, दो लड़के यहाँ पे राहुल और हरुण आर इन द रेशियो 5:7, जो उनकी जो एज का रेशियो है ना 5:7 है। 4 इयर्स लेटर 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज,
विल बी 56 ईयर, चार साल बाद उनकी आयु का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी क्या निकाल के दिखानी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज। लेट द राहुल प्रेजेंट एज, डियर स्टूडेंट्स हमें 5:7 के रूप में गिवन है, तो इसको हम क्या मानते हैं 5x ईयर्स। लेट द हरुण प्रेजेंट एज कितनी 7x ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया राहुल की प्रेजेंट एज को, और किसकी प्रेजेंट एज को, हरुण की प्रेजेंट एज को। उसके बाद क्या कहता है 4 ईयर्स लेटर, चार साल बाद, तो हम चार साल बाद की एज निकालते हैं किसकी, राहुल की एंड हरुण की। तो 4 ईयर्स लेटर राहुल एज, चार साल बाद ये स्टूडेंट्स एज कितनी हो जाएगी, चार साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कोई बच्चा अगर आज 6 साल का है, अगर उसको 4 साल बाद उसकी एज पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी 10 साल, क्योंकि हम 6 के अंदर कितना ऐड करेंगे 4, तो हमने भी यहां पे क्या किया, राहुल की एज के अंदर 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 5x + 4 ईयर्स उसकी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, एज होगी। अब किसकी एज मानते हैं हम, 4 ईयर्स लेटर हरुण एज कितनी डियर स्टूडेंट्स, 7x + 4। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, उसकी एज आ जाएगी 4 साल बाद की। फिर क्या कहता है, अगर उनकी एज को जोड़ दिया जाए ना तो 56 साल के हो जाएंगे वो दोनों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड करते हैं हम 5x + 4 को और 7x + 4 को, इसके इक्वल 56 के इक्वल, क्योंकि वो बोलता है कि 4 साल बाद जो उनकी आयु है उनका जो जोड़ है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, 56 के इक्वल हो जाएगा, 56 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको 56 के इक्वल रख दिया, तो ये 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12x, और 4 और 4 को ऐड करोगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका 8, इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट्स 56। तो 12x 56 प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस का 12x इक्वल टू, इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 48। अब ये 12 ये 12 मल्टीप्लाई के अंदर है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डिवाइड में, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 48/12 4। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो किसकी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स राहुल की, यहाँ पे रखेंगे तो किसकी आ जाएगी हरुण की। तो राहुल एज कितनी हो जाएगी आपकी, राहुल की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 5 × 4 कितनी डियर स्टूडेंट्स 20, और जो हरुण की एज है वो कितनी हो जाएगी 7 × 4 कितने ईयर्स 28 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एज आ जाएगी किसकी, राहुल की एंड हरुण की एज आ जाएंगी, जो हमें फाइंड आउट करके दिखानी थी। डिफरेंस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो गिनती है किसकी, लड़कों के लड़कियों की, आर इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर आर इन द रेशियो, वो अनुपात में गिवन है, किस अनुपात में गिवन है स्टूडेंट्स हमें 7:5, यानी कि अगर लड़के 7 है तो लड़कियां कितने डियर स्टूडेंट्स आपके पास 5 है। द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज है जो लड़कों की संख्या है इज 8 मोर, वो 8 ज्यादा है मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, किससे लड़कियों से 8 ज्यादा है, किसकी संख्या लड़कों की संख्या। व्हाट इज द टोटल क्लास 10th, हमें क्या निकाल के दिखाने है क्लास की 10th निकाल के दिखाने है कि क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सम को सॉल्व करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट या नंबर ऑफ बॉयज कितने माने डियर स्टूडेंट 7x, किसके अकॉर्डिंग हमें 7:5, तो क्योंकि पहले बॉयज है तो बॉयज कितने हैं 7 है और लड़कियां कितनी है 5 है, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लिया 7x मान लिया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हम फाइव एक्स अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या कहता है नेचर ऑफ क्वेश्चन हमें, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, जो लड़कों की संख्या वो 8 ज्यादा है किससे, लड़कियों के संख्या से। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हमने क्या किया, लड़कों लड़कियों की संख्या को बराबर रख दिया, लेकिन एक्चुअली में तो ये बराबर है नहीं है, क्योंकि ये क्या है 8 है ज्यादा है। क्या करें हम, 8 लड़की और लेके आए, अगर वो 8 लड़की और आ जाएंगे तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम लड़कियों की तरफ कितना जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 8 ज्यादा था तो हमने लड़की भी कितनी ले ली, 8 ज्यादा ही ले ली, तो दोनों की दोनों क्वांटिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। तो करते हैं सॉल्व, 7x ये प्लस का 5x इधर आगे किसका माइनस का, इक्वल टू कितना 8, 7 में से 5 गए डियर स्टूडेंट्स 2x इक्वल टू कितना 8 और x इक्वल टू 8/2 डियर स्टूडेंट्स कितना 4, x की वैल्यू कितनी मिल गई डियर स्टूडेंट हमें 4 4। अब हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे डियर स्टूडेंट्स, 7 गुणा में 4 कितने 28, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आएंगे डियर स्टूडेंट्स, 5 गुणा में 4 कितनी 20, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगी टोटल स्ट्रेंथ इन क्लास कितनी डियर स्टूडेंट्स 48। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और उसके बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 साल बड़े हैं। तो द सम ऑफ द एज जो जोड़ है ऑफ द एज उनकी जो आयु है उसका ऑफ ऑल द थ्री तीनों की आयु का जो जोड़ है इज 135 ईयर्स, वो कितने साल है 135 साल है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक की आयु कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम लेट द बाईचुंग बाईचुंग एज कितनी एज मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स ईयर्स, हमने क्या मान ली डियर स्टूडेंट्स बाईचुंग की एज मान ली। अब क्या करेंगे द एज ऑफ बाईचुंग फादर कितने साल बड़ा उससे वो 29 साल, क्योंकि यहां पे लिख रखा है एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और वो बाईचुंग से कितना बड़ा है 29 साल बड़ा है। तो द एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंड फादर जो उसके ग्रैंड फादर है ना वो 26 साल बड़े हैं किससे, उसके फादर से, क्योंकि उसके जो पिताजी वो 26 साल छोटे हैं, तो इसका मतलब उसके दादाजी है ना वो उसके पिताजी से 26 साल क्या है बड़े हैं। तो x प्लस ऐड करेंगे कितना आएगा 54, क्योंकि नोट से 15 सॉरी गलत हो गया, एक्स प्लस 55 दो चार और एक 5, तो तीनों की एज आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है तीनों की जो एज है अगर उनको आप ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 135, तो तीनों को जोड़ देते हैं एक्स प्लस 29, ये हमारी किसकी एज बाईचुंग की, ये किसकी एज बाईचुंग के पिताजी की, और वो एक्स प्लस 55 किसकी एज उसके दादाजी की, और इन तीनों का जोड़ है जो डियर स्टूडेंट्स वो हमारा 135 के इक्वल है। एक्स 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 कितना 3x प्लस 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी करेंगे 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 कितना 8 इक्वल टू कितना 135, 3x इक्वल टू 135 प्लस है उधर जाके डियर स्टूडेंट्स माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 4 1 और 13 में से 8 गया 5, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, हमें x की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 15 1/3 मतलब कितनी 17। तो हमने क्या माना x को बाईचुंग की एज, तो जो बाईचुंग एज है
भाईचुंग एज कितनी, 17 साल का हाउल का जो भाईचुंग है, और भाईचुंग फादर, भाईचुंग फादर कितने, एक्स प्लस 29, एक्स की एज कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी 17 प्लस कितना 29, 29 23 36 और कितना 46, और भाईचुंग ग्रैंडफादर कितना उसके पिताजी से कितने साल बड़ा, 26 साल बड़ा, जोड़ देते हैं 6 और 6 12, 4 और 2 7, सॉरी 4 और 2 6 और 1 कितना 7, अब इनको ऐड करके देखते हैं, 7 और 6 13 और 2 15, 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13, तीनों को जो आयु का जोड़ था डियर स्टूडेंट्स कितना था 135, देन भाईचुंग एज 70, भाईचुंग फादर एज 46, भाईचुंग ग्रैंडफादर एज 72। डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं सम नंबर 12, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ 15 साल बाद रवि एज विल बी, रवि की जो आयु है 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज की कितने गुणा हो जाएगी, 4 गुणा हो जाएगी। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, तो हमें रवि की आयु निकाल के दिखानी है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, रवि की जो आयु है वो 15 साल बाद उसकी जो आज आयु है उससे कितना गुणा हो जाएगी, 4 गुणा हो जाएगी। तो हमें यह बताना है रवि आज कितने साल का है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितने ईयर मान लें, डियर स्टूडेंट्स एक्स ईयर्स मान लिया हमने, किसकी एज को, रवि की एज को। अब क्या करेंगे, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज कितने साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, क्या है आज से 15 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 साल बढ़ जाएगी, मतलब 15 साल बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर 15 को जोड़ देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 15 ये जो आयु है ना, ये जो आयु है ये 4 गुना बड़ी है, किससे, उसकी प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज क्या है डियर स्टूडेंट्स उसकी एक्स। तो मैंने क्या किया, इस एज को इस एज को क्या लिखा, पहले तो इक्वल लिखा, लेकिन एक्चुअली में ये एज इक्वल नहीं है क्योंकि ये कितना गुना बड़ी है, 4 गुना बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आयु क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज ये जो आयु आपकी है वो कितनी बड़ी थी, 4 गुना बड़ी थी। तो मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, तो दोनों क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। अब सेम होगी तो हम इनको इक्वल का निशान जो हमने लगाया था पहले वो अब क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको, मैंने 15 को इधर रख दिया डियर स्टूडेंट्स 4x, और ये प्लस का x उधर जाएगा इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस का, और 4 में से जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स 3x इक्वल टू 15, और x इक्वल टू 15 बाई 3, और x की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो आपकी आएगी 3 5 15, और जो x है वो क्या आपकी एज, किसकी, रवि की प्रेजेंट एज। तो आप लिखेंगे रवि प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 इयर्स, यानी कि जो रवि है आज उसकी जो आयु है वो कितने साल का है, 5 साल का है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन 13, क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है, इट्स सच दैट When you multiply it 5/2, जब आप उसकी गुणा करते हैं 5/2 के साथ एंड एड, उसके अंदर 2/3 जोड़ते हैं टू दी प्रोडक्ट, उस गुणा के अंदर यू गेट माइनस के 7/12, तो आपको प्राप्त होता है माइनस के 7/12, वट इज द नंबर, तो वो नंबर हमें क्या करके दिखाना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को लेट करते हैं, तो लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू कितना एक्स, हमने रेशनल नंबर को क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा ना वैसा वैसा हम करेंगे। क्या कहता है
जो रेशन नंबर आपने माना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 5/2 उसकी गुणा कर दो किसके साथ है? 5/2 के साथ। तो हमने गुणा कर दी किसके साथ? 5/2 के साथ। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो गुणा आ गई ना डियर फ्रेंड्स उसके अंदर आपको 2/3 एड करना है, कर दिया। फिर क्या कहता है? यू गेट माइनस के 7/12, तो आप क्या प्राप्त करते हैं? माइनस के 7/12। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हमने नंबर क्या था, एक्स था, उसकी मल्टीप्लाई 5/2 के साथ की, उसके अंदर ऐड कर दिया 2/3, हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 7/12। अब क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू 5/2x इक्वल टू माइनस के 7/12 प्लस है, उधर जाके किसका डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 5/2x, एलसीएम ले लिया डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के माइनस 7 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 7 ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ गुणा करने से और भाग करने से उस चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर किसका निशान है? माइनस का है। अब 12 को 3 से डिवाइड किया, 12 को 3 से भाग दिया, 4 आ गया, और 4 की 2 के साथ गुणा 4 × 8 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 5/2x माइनस के 15 बाय कितना डियर स्टूडेंट्स, 12। हमें किसके लिए निकालनी है? x की। तो हमें क्या किया, x को इधर रख लिया, उधर क्या है माइनस के 15/12, दो आपका डिवाइड में या भाग में है, किसमें जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, 5 आपका गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, किसमें जाएगा? डिवाइड मतलब भाग में जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 5 × 3 = 2, 6 जा और 3 × 1 जा और 3 × 2 जा, तो माइनस का 1/2 वो नंबर है जिसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ और उसके अंदर 2/3 ऐड करेंगे तो आपको डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, माइनस के 7/12। डियर स्टूडेंट्स ये सम आपका 13। अब हम सम नंबर करते हैं 14। सम नंबर 14 में डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, सम नंबर सम है जो आपके बोर्ड के ऊपर है, क्या कहता है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, लक्ष्मी है वो कैशियर है किसके अंदर, बैंक के अंदर। डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है आगे, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास जो नोटों की जो नकदी है ना, उसके पास पैसे हैं वो किस रूप में है डियर फ्रेंड्स, 100 रुपए के रूप में, 50 रुपए के रूप में और 10 रुपए के रूप में उसके पास नकदी है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, जो नोट्स की जो रेशियो है वो आपकी 2:3:5 है डियर स्टूडेंट्स। इसका क्या निकाल मतलब क्या है, अगर 100 के जो नोट है वो 2 हैं तो 50 के नोट 3 हैं और 10 रुपए के नोट कितने डियर स्टूडेंट्स, 5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी, और जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो 4,00,000 रुपये है। हमें क्या निकाल के दिखाना, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, तो उसके पास जो नोट्स है ना, 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं और 10 के नोट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें ये निकाल के दिखाना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कितने कितने नोट हैं, तो लेट करते हैं हम। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना, 2x, x लिखा हमने उसके आगे क्या लगा दिया, 2, बिकॉज रेशियो गिवन है 2:3:5, तो इसको हम क्या मानेंगे, 2x। इसी तरीके से हम किसके नोट्स माने, अब 50 के कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, रेशियो आपको गिवन है 3x और 10 रुपए के जो नोट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 5x। टोटल जो करेंसी है, टोटल करेंसी जो उसके पास है कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 4,00,000 रुपये। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारी नोटों की संख्या है, इसको हमें रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो इसकी हम गुणा करेंगे किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, 100 के साथ। इसको भी हमें नोटों में
कन्वर्ट करना है तो इसकी गुणा 50 के साथ और इसकी गुणा 10 के साथ। जैसे आपके पास 100 के 10 नोट हैं, अगर आप उसकी 100 के साथ गुणा करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके पास 1000 रुपये हैं। तो इस वजह इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, रुपयों में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता लग जाएगा हमारे पास ये भी रुपये हैं और ये भी हमारे पास क्या रुपये हैं। इनको क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वल रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी 100 से गुणा कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, 100 गुणा 2 प्लस का निशान, 50 गुणा 3x प्लस 10 गुना 5x इक्वल टू 4x। डियर स्टूडेंट्स गुणा करते ही जो ये नोट्स थे 100, 50 और 10 के साथ गुणा करते ही ये रुपयों में कन्वर्ट हो गए। और हमारे पास कितने रुपए हैं या लक्ष्मी के पास कितने रुपए हैं, 4,00,000 रुपए हैं। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, कंपेयर कर दिया, इक्वल रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 200x प्लस ये कितना हो जाएगा 150, 150x। 10 गुना 5 कितना डियर स्टूडेंट्स, 50 या 50x इक्वल टू कितना आपका 4,00,000 डियर स्टूडेंट्स। ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, 200, 350, 350, 450, 400 कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, 400x इक्वल टू 4,00,000। और x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स आपकी, 4 लैक्स बाई 400। 2 जीरो से 2 जीरो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 1,000। हमें किसकी वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मिल गई। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट हमें किसके किसकी संख्या मिलेगी, 100 रुपए के नोटों की संख्या मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू रखते ही 50 की, और इसी प्रकार यहाँ पे रखते ही आपके 10 रुपए के नोटों की संख्या मिल जाएगी। तो वैल्यू रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 गुना 1,000, 3 गुना 1,000, 5 गुना 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000। तो डियर स्टूडेंट्स जो नोटों की संख्या में निकाल के दिखानी थी वो आपकी ये रहेगी। ये किसके नोट से है, 100 के नोट हैं, कितने हैं 2,000, ये 3,000 नोट हैं 50 के, और ये 10 के नोट कितने हैं 5,000। डियर फ्रेंड्स सम नंबर 15, देखो क्या कहते हैं, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन ऑफ डेनोमिनेशन, ₹1, ₹2, ₹5, मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं। और वो जो 300 रुपये हैं डियर फ्रेंड्स मेरे पास 1 रुपये के सिक्के के रूप में हैं, 2 रुपये के रूप में हैं और 5 रुपये के रूप में हैं। द नंबर ऑफ रुपीज 2, जो 2 रुपये के सिक्के ना कॉइन सिक्के हैं, इज 3 टाइम, वो 3 गुना है द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपए के जो सिक्के हैं उसके 3 गुना 2 रुपए के क्या है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास सिक्के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160 और जो टोटल कॉइन्स है मेरे पास वो 160 हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ईच ऑफ आर विद मी, मेरे पास टोटल कितने सिक्के हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के और 1 रुपए का, ये मैंने क्या करना डियर स्टूडेंट्स निकाल के दिखाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले ये इस लाइन पे आ जाओ, जो 2 रुपए के सिक्के हैं ना वो 3 टाइम है किसके, 5 रुपए के। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट द रुपीज 5 कॉइन्स कितने मान लिए डियर स्टूडेंट्स हमने, एक्स मान लिए। तो हम 2 रुपए के सिक्के निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे, हमें पता है जो 5 रुपए के सिक्के हैं ना उससे कितने ज्यादा हैं, 3 गुना। तो इसके हम किससे गुणा कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, 3 से, और हमें किसके सिक्के निकालने की जरूरत है, 1 रुपए के सिक्के निकालने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स। हमारे पास टोटल कॉइंस कितने हैं 160, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल कॉइंस कितने हैं डियर फ्रेंड्स 160।
अब मैं 160 में से क्या कर दूं, पांच वाले सिक्के घटा दूं और कौन से सिक्के घटा दूं, दो रुपए वाले सिक्के घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा रेस्टोरेंट से, एक रुपए के सिक्के बचेंगे, तो वो मेरे पास कितने बच गए, 160 माइनस के कितने 4x, टोटल रुपीज कितनी है फ्रेंड्स, वो मेरे पास है 300 रुपीज। अब वही क्वेश्चन जो पीछे करवाया था उसी के जैसा है, क्या है इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है तो इसकी किससे गुणा करते हैं, 5 से, तो कितना आ जाएगा 5x, इसकी किससे गुणा करते हैं 2 से, कितना जाएगा 2 × 6x, इसकी किससे गुणा करेंगे 1 से, और 1 से गुणा करें या डिवाइड करें कोई फैक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, तो 160 माइनस कितना 4x। आप ये दो चीज लिखी है यहाँ पे, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए रुपीज में, और रुपीज कितनी डियर स्टूडेंट्स 300। अब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, 6 और 5 11 11 में से 4 गया तो डियर स्टूडेंट्स 7x, 300 प्लस का उधर जाके डियर स्टूडेंट्स किसका माइनस का 7x, सब टेक करोगे तो 0 में से 0 0, यहाँ पे कैरी करोगे तो 10 में से 6 गया कितना 4, और 2 में से 1 गया कितना डियर स्टूडेंट्स 1, और x की वैल्यू हमें निकालनी है 140/7, तो डियर स्टूडेंट्स x की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। हमें किस किस की संख्या निकालनी है, 1 रुपये की, तो कॉइन्स 5 रुपीज कॉइन्स, कितने डियर स्टूडेंट्स कितने मान रखे हैं x, x किसके बराबर 20, तो ये भी आपका 20, कितने 2 रुपये के जो सिक्के हैं डियर स्टूडेंट्स वो कितने गुना इसके 3 गुना मतलब डियर स्टूडेंट्स कितने 20 × 60। अब 1 रुपये के सिक्के निकालने डियर स्टूडेंट्स क्या किया था हमने, 160 टोटल सिक्के, उसमें से 5 वाले घटाए थे, उसमें से कौन से घटाए थे 2 वाले घटाए थे, तो 160 − 80 मतलब कितना डियर स्टूडेंट्स 80, तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं डियर स्टूडेंट्स 20, 2 रुपए के जो सिक्के हैं डियर स्टूडेंट्स 60, और जो 1 रुपए का सिक्का है डियर स्टूडेंट्स वो आपका कितना 80। ये था सब नंबर 15 डियर स्टूडेंट्स आपका। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन, जो ऑर्गेनाइजर है एसे कंपटीशन का, डिसाइड उसने डिसाइड किया है दैट ए विनर इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन के अंदर जीतेगा गेट ए प्राइज ऑफ 100, उसको 100 रुपए इनाम में मिलेंगे, एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ 25, और जो खाली इसके अंदर भाग लेगा उसको भी कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपए मिलेंगे। टोटल प्राइज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3000, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ विनर, तो डियर स्टूडेंट्स टोटल पार्टिसिपेट कितने हैं डियर स्टूडेंट 63, टोटल मनी कितने हैं डियर स्टूडेंट्स 3000। ये टोटली टोटल पार्टिसिपेट जिन्हें क्या वो लिख दिया, और यहां पे मैं क्या लिख दिया टोटल मनी। अब हम क्या करते थे, लेट द विनर मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, विनर कितने हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स है आपके, अगर विनर एक्स हैं तो हम क्या अब क्या निकाल लेते हैं नोट विनर, जो जीते नहीं है। अब कितने बंदों ने भाग लिया, कितने बच्चों ने भाग लिया 63 बच्चों ने भाग लिया, कितने जीत गए एक्स, तो 63 में से x घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ नॉट विनर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो विनर है उसको कितने रुपए मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स 100, जो नहीं जीतते उनको कितने रुपए मिलते हैं डियर स्टूडेंट 25, और टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स 3000। जितने भी बच्चे जीतेंगे उनको 100 रुपए मिलेंगे, तो इसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, जो जीतेंगे नहीं उनको 25 रुपए मिलेंगे उसकी 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, और टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए बांटे गए हैं वो 3000 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 × 25 × 75 7 कैरी करेंगे, 25 की और 6 की गुणा 150, 150 में
सात जोड़ देते हैं, 1575 माइनस के 25x इक्वल टू 3000। अब 100 माइनस के 25 डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया, 75x प्लस का कितना 1576 किसके इक्वल, 3000 के इक्वल डियर स्टूडेंट्स। 75x 3000 माइनस कितना डियर स्टूडेंट्स 1575। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया, 2 4 1 और 75x एक्स इक्वल टू 1425 इक्वल टू कितना डियर फ्रेंड्स 75। अब क्या करते हैं डियर फ्रेंड, कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 4 पराठे 40, 5 25 5 दूनी सॉरी 5 से कम 5 और 5 25 फिर 5 से कैंसिल कर देता हूं, 5 55 25 कितने हो गए डियर फ्रेंड्स 3 5 7 25 5 3 15 कितना है डियर फ्रेंड्स 19 और एक्स को हमने क्या मान रखा है डियर फ्रेंड्स जो जीते हैं वो, तो जीतने वाले तो कितने हो गए डियर फ्रेंड्स आपके 19 और नॉट विनर कितने हो गए डियर फ्रेंड्स 63 माइनस के 19, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4। तो बिना जीतने वाले जो स्टूडेंट्स है डियर स्टूडेंट्स वो 44 है और जो आपके जीतने वाले स्टूडेंट्स है वो क्या आपके 19 स्टूडेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।